नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। आगे बढ़ो आगे। तो अभी फिलहाल नीरज को 3-4 दिन से ट्रेन नहीं मिल रहा है जाने के लिए, और यहाँ पे मनीषा क्या खोल रही है जी। तभी हम लोग जूस की दुकान पे जूस पीने के लिए। मनीषा कह रही है नहीं, मैं पहले मोमोज खाऊंगी। ये पैक करवा के ला दी, ये मंगाई थी कि गाड़ी में प्लेट में आएगा तो खाएंगे, और वो पैक करके लेके आ गया। चलो गाइस अब जूस वगैरह पीते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे नए नए दुकान खुल गए हैं, बहुत सारे। मैं पूछा तो वो प्लेट है। यहाँ प्लेट क्या होगा। मार्केट से आ चुका हूँ, और मार्केट से आने के बाद आज घर में भाई सब, मैं बताऊँ इतनी गर्मी बढ़ गई यहाँ पे अचानक से। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतनी गर्मी यहाँ पे कब बढ़ जाएगी। तो अभी मार्केट से जैसे आया, एसी वैसे चला के आराम से लेटा पड़ा हूँ, और कमेंट्स देख रहा था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप लोग को जाना चाहिए। तो जाना तो चाहिए, लेकिन जाएंगे भी, और हम लोग बहुत जल्दी बिहार जाएंगे। हम लोग क्या, मैं ज़रूर जाऊंगा, मनीषा को अभी लेके नहीं जाऊंगा मैं। और कब जाऊंगा ये आप लोग को ब्लॉग के थ्रू पता लग जाएगा, और जैसे जैसे मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग को ब्लॉग के थ्रू दिख जाएगा। बहुत सारे लोग कुछ कुछ कमेंट कर देते हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ कमेंट ठीक है आप कर रहे हो करो, लेकिन ऐसा भी कुछ कमेंट ना करो ना जिससे सामने वाले को हर्ट हो। और ठीक है अब वैसे तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो जल्दी से चाहते हैं आपका 1 मिलियन हो जाए, जल्दी से आपका ये क्या कहते हैं, आज मैंने 50 लोगों से ऑफिस में सब्सक्राइब करवाया। यार कितने अच्छे हो ना आप लोग, बहुत अच्छा भी लगा, और साथ में अंदर से लग रहा है ना कि और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि यार और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मतलब जी जान लगा के मेहनत करेंगे। कोई भी चीज़ में जब आप आगे बढ़ते हो ना, और आपको कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है। मैं भी बहुत कुछ बहुत सारी जगह करता था, लेकिन मुझे कोई अप्रिशिएट पहले नहीं करता था। सब इसलिए नहीं करते थे ना क्योंकि उनके दिमाग में ये सोच था कि अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो क्या पता ये आगे काम ना करे, तो उनकी अलग सोच थी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग वो भी यही चाहते थे कि मैं बढ़ूँ आगे बढ़ूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते ना, मुझे अच्छा लगता। और पता नहीं मुझे सेल्फ मोटिवेशन बहुत, मतलब मैं अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में तो रखता ही हूँ, लेकिन जब साथ में बहुत सारे लोग जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जब बहुत सारे लोग कुछ कुछ बताते हैं कि नहीं अच्छा कर रहे हो, तो फिर एक अंदर से पता नहीं दुगुना एनर्जी आ जाती है, एक और अलग से पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है कि करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपको अभी घर नहीं जाना चाहिए, जो भी सिचुएशन है जो भी जैसा है। तो मेरा भी यही था कि नहीं यार अभी नहीं जाना है, और थोड़े दिन बाद जाऊँगा जब सब लगेगा ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो अपने ईगो से बढ़ के होती है। तो अभी तो आज कितना हो गया, आज 15 हो गया ना, 14 हो गया, कल यहाँ पर एक उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है, वहाँ जाना है मुझे, और उसके बाद से 2-3 दिन का मुझे यहाँ पे काम है। फिर मैं यहाँ से जाऊँगा दिल्ली, मुझे वहाँ पे भी कुछ घर के लिए। अब घर का ना आप लोगों को पता है गाइस, जितना आप घर के अंदर आप कंस्ट्रक्शन जब करवाओगे तो बाहर के जो चीज़ें खर्च होती है ना, जैसे दीवार हो गया, सीमेंट, ईंट वगैरह, गिट्टी बजरी जो भी है, रेत वगैरह, इससे ज़्यादा खर्चा तो आपका तब हो जाता है जब आप इंटीरियर करवाते हो। भाई साहब इंटीरियर में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंटीरियर, मैंने ये सोचा था यार 4 दीवारी प्लस्तर हो जाएगा, पुट्टी हो जाएगा, आराम से घर में हो जाएंगे, लेकिन नहीं जी टाइल्स, मैंने भी सोचा था कि टाइल्स भी चलो अगर 50-60 रुपये फुट भी आता है, मैं अभी टाइल्स भी सोमानी के लग रहे हैं और एक ब्रांड का लग रहा है, बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा सा रेट उनका ज़्यादा है। तो जब मैंने ये सोचा था कि यार जब हम टाइल्स वगैरह में लगेंगे तो अगर 50 रुपये का फुट भी होगा तो लगभग अगर मेरा 4,000 स्क्वायर फुट या 5,000 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन है तो 2-2.5 लाख रुपये में टाइल्स हो जाएगा। लेकिन नहीं, टाइल्स में तो जब बाथरूम में लग रहा है, किचन में लग रहा है, प्लस टाइल्स के अंदर केमिकल्स लग रहे हैं, फिर टाइल्स के डिज़ाइन के लिए पेंसिल वगैरह जो लग रहे हैं, गोल्डन पेंसिल या ब्लैक पेंसिल, तो धीरे धीरे कर कर के ना एक्सपेंस बहुत ही बढ़ जा रहा है, फिर लेबर कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो एकदम से मतलब ना मेरा स्टार्टिंग में ये लक्ष्य नहीं था कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊँगा, लेकिन कहते हैं ना हम लोग, आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ एक चीज़, हम लोग वैष्णो देवी गए हुए थे जब मनीषा की मम्मी आई हुई थी, तब हम लोग साथ में गए हुए थे, तब मैंने वहाँ पर वैष्णो देवी में घर बनाया हुआ था। तो घर जब बनाया हुआ था ना हमने, पता नहीं मतलब ये कैसे हुआ, और वैष्णो देवी से जो मैं मांगता हूँ ना माता रानी से, वो सारी मन्नत पूरी होती है। तो वहाँ पे पता नहीं वहाँ ये क्या उड़ रहा है, अच्छा छोटी सी मक्खी है।
तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने माता रानी के दरबार में जब हम लोग जाते हैं दर्शन करने, तो वहाँ पे मैंने ना एक ईंट रखा, ईंट जैसे पत्थर था। मनीषा ने बोला कि एक घर बनाएंगे, तो मनीषा ने एक पत्थर रखा, तो फिर मैंने बोला कि मनीषा एक और रखते हैं। तो मनीषा बोली कि नहीं अभी छोटा सा ही घर बना लेंगे हम, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था और एक अंदर से होता था कि यार इतना बड़ा घर हम करेंगे भी क्या। फिर मैंने बोला कि नहीं यार एक घर और बना देते हैं। तो मैंने क्या किया ना, मैंने एक पत्थर और उसके ऊपर रख दिया कि अब हमारा घर 2 फ्लोर का होगा। आपको एकदम जेन्यून बात बता रहा हूँ, और वैष्णो माता ने सीरियसली बात सुन ली गाइस हमारी, और उम्मीद नहीं था। लेकिन दूसरा जब मैंने रखा था, मनीषा कह रही ठीक है जब दूसरा रख रहे हैं तो एक छोटा सा और रख लीजिए पानी टंकी वगैरह हो। तो वहाँ पर ना एक और पत्थर वो रखी या मैं ही रख दिया पता नहीं, याद नहीं, बट हमने याद है कि एक रखा फिर दूसरा रखा फिर छोटा और रखा, और हमारा घर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। एक पहले पूरा, दूसरा भी पूरा, और तीसरे पे फिर हमारा 1 रूम सेट बना हुआ है सारा कुछ। तो एकदम से मतलब ना, मुझे कभी कभी जाता हूँ, अभी वैष्णो देवी गया तो मैं उनको बहुत सारा थैंक यू बोला, माता रानी आपने लिटरली इतने कम समय में हमारा बात सुन लिया। और उसके बाद से फिर ज़मीन वगैरह हम लोग ले लिए थे, फिर देखते देखते मतलब 1 साल 1.5 साल में हम लोग का, अब तो आई थिंक सितंबर तक 2 साल हो जाएगा, तो बन भी गया। तो इतना अंदर से सुकून फील होता है ना, तो भाई माता रानी की कृपा है गाइस, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में सब के अगेंस्ट जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक रखना मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब धीरे धीरे ये अंतिम छोर पे चल पड़ा है, लेकिन अगर मैं इधर उधर जाऊँगा ना तो थोड़ा डिले हो जाता है। एक भी दिन जाता हूँ तो डिले होता ही होता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा जितना बेस्ट हो सके अपना करो, बाकी जाना आना तो लगा रहता है, क्योंकि जाएंगे आएंगे कहीं तभी अपना एक, देखो आपसे ऑनेस्टली बताऊँ तो एक तो वो होता है कि चलो भाई कंटेंट, और दूसरा होता है ना कि एक रिश्ता। तो मुझे दोनों चीज़ देखना है, कंटेंट तो चलो अपना चलता रहता है, मैं यहाँ भी रहता हूँ अभी घर पर भी, यहाँ पर भी हूँ, तो चलो व्यूज़ वगैरह तो अपार्ट, लेकिन हम जब कहीं जाते हैं या किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, वो ही हो तो यूट्यूबर है या नहीं है, लेकिन हम लोग जाते हैं या कहीं शादी वादी में, तो पहले भी जाते होते थे, तो उनसे जब जो हमारी शादी में आया उनके शादी में जाना तो बनता ही है। तब फ़ोन भी दोस्त का आया था कि यार तो जाना पड़ेगा या जो भी है, तो मैं बोले चलो कोई नहीं कोशिश करेंगे, करते करते फिर हमने प्लान किया कि नहीं शादी पे भी जाएंगे, तो वहाँ भी जाएंगे, और बहुत सारे स्टेट एक बार में कवर होंगे हमारे, मतलब 3-4 स्टेट हम लोग लगातार कवर करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और बहुत सारी नेगेटिविटी हम लोगों को रोकने की कोशिश करती हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं कि नहीं यार ये हो जाएगा काम, मतलब रुक जाए या जो भी है, लेकिन अंदर से जो है ना शक्ति जो माता रानी ने दी है ये इनक्रेडिबल है। बहुत ज़्यादा टेंशन में होने के बावजूद भी मेरा टेंशन, अब ऐसा होता था ना कि सुबह दिमाग में आता था, आप लोग बताता हूँ, सुबह दिमाग में आता था कि यार मुझे इतने पैसे आज देने हैं किसी को, मैंने बोला हुआ है, और पता नहीं कैसे 2 घंटे बाद ना कहीं से मेरे पास पेमेंट आ जाती थी। तो मेरे को ये लगता था कि यार मतलब 10,000 की ज़रूरत थी, और ऐसा भी हुआ है 10,000 रुपये भी मेरे को अभी थोड़े दिन पहले ये लगता था, क्योंकि लोन मैंने जितना बिल्डिंग है ना उसका 25% भी नहीं उठाया, और लोन का तो बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, मेरे को बहुत सारा एलिजिबल मिल जाता और भी लेना, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता था क्योंकि पहली मेरे पास गाड़ी का भी था, तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो एक और क्लियर होगा तो अपना आराम से धीरे धीरे करेंगे। तो एकदम से मतलब मैंने ये सोचा ना कि यार चलो कर लेंगे अब, और अपना घर वर पता नहीं क्या बोल रहा था ये आ गई भुलवा दी हमको, तो अपना घर वर का जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा जैसे, और हो ही रहा है एक पॉजिटिव वाइब्स है अंदर से, और कर लेंगे, और उसके बाद से फिर आप लोग घर भी दिखाएंगे सब, एक एक रूम दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को, और टोटल घर बनाने में किसी का कमेंट आया था कि भैया कितना टाइम लग गया, हमारे तरफ बिहार साइड में ना घर बनाने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो जो शटरिंग वगैरह है वो वुड का करते हैं, वो यहाँ लोहे का पटपट करो पटपट निकालो, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो ये लोग कर देते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कभी कोई एब्सेंट करता है, कभी कोई एब्सेंट करता है, लेकिन वहाँ पे मेरा जैसा एक बन रहा है तो पता नहीं अब कब से बन रहा है, सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है लेंटर बांधने, सिर्फ छत ढालने के लिए जो शटरिंग था उसमें लगभग 1 महीना लग गया था उनको बांधने में, कभी कोई आ रहा है कभी कोई नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सब अपना ठीक ठाक हो गया। और मैं तो सारा का सारा श्रेय माँ दुर्गा वैष्णो माता को देना चाहता हूँ, जो भी आज मेरे पास है वो सब उनकी कृपा है, नहीं तो मैं कहाँ इतना छोटा आदमी
ये सब कुछ कर पाता, एक बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है। और माता रानी जल्द ही बहुत कुछ हमें ब्लेस करने वाली हैं, बहुत कुछ हमें मिलेगा। और थैंक यू तो उनको क्या ही बोलूँ, लिटरली मतलब ना माँ है वो, सीरियसली। और सब मतलब देखो, मम्मी पापा भी मेरे बहुत सपोर्ट किए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर ही, लेकिन हिम्मत जो है ना मुझे वैष्णो माता से बहुत मिली कि मैं कर सकता हूँ। पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत दिया सब कुछ, और बाकी किसी का तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे हाँ ये दोनों लोगों ने बहुत, एक वैष्णो माता ने और पापा, तो मतलब चलो मेरी बहुत रेगुलर तो बातें नहीं होती हैं, लेकिन आज भी बात हुई, कल भी, जब भी बातें होती हैं ना तो अंदर से एक लगता है कि नहीं चलो यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, क्योंकि पापा को भी हम देखते हैं ना, पापा ने भी इतना सारा कुछ खड़ा किया, तो उनसे पॉजिटिविटी लेता हूँ मैं। बाकी दुनिया से तो मैं नेगेटिविटी लेता नहीं हूँ, हाँ ज़रूर पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से ले लेता हूँ। तो थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन, और आप लोगों को भी बहुत सारा कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी सबकी विशेष, सबकी मुराद पूरी करें। मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का भी घर एकदम खुशियों से भरा हो, और माता रानी ने हमारी सुन ली, उसके लिए थैंक यू। और हम लोग जल्दी बिहार जाएंगे, हम लोग नहीं मैं तो ज़रूर जाऊँगा, बाकी अभी एनिवर्सरी पे नहीं जा पाएंगे गाइस, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाद में अभी मई में एक शादी वादी भी है, फिर जून में गृह प्रवेश है, तो गृह प्रवेश के पहले एक बार ज़रूर मैं कोशिश करूँगा, और गृह प्रवेश पे तो सब लोग आ ही जाएंगे। तो यही सब मैंने सोचा कि आप लोगों से आज के व्लॉग में आप सभी से शेयर करूँ, आप लोगों से एक मन की भावना शेयर करूँ। तो आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो ना यार, जल्दी 5 लाख कंप्लीट करवा दो फटाफट। थैंक्स अगेन, लव यू ऑल, और आई होप कि सब लोग मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।